सो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं रिसर्च फैक्ट्स और आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं जिस दिन हमें आजादी मिली उस दिन क्या हुआ था, यानी 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात को। भारत आज अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 15 अगस्त 1947 को भारत एक देश के रूप में स्वतंत्र हुआ था। 1947 में 20 फरवरी को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को अलग राष्ट्र के रूप में स्वीकार किया था, जिसके बाद ब्रिटेन ने भारत को 30 जून 1948 तक का समय नई सरकार बनाने के लिए दिया था। 14 और 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के रूप में दो नए राष्ट्र का उदय हुआ था, लेकिन भारत और पाकिस्तान की आजादी अपने साथ कई समस्याओं को भी साथ लेकर आई। चौदह पंद्रह अगस्त 1947 की रात भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई थी, जिसके बाद नेहरू जी ने ऐतिहासिक भाषण दिया था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी पहली सरकार में सभी विचारधारा के लोगों को जगह देने की कोशिश की गई थी। सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाए गए थे, जगजीवन राम को श्रम मंत्री, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री और अंबेडकर को विधि मंत्री का पद दिया गया था। भारत और पाकिस्तान के रूप में दो देशों का गठन तो 14 और 15 अगस्त 1947 को कर दिया गया, लेकिन उस दिन तक दोनों ही देशों के बीच कोई निश्चित सीमा रेखा तय नहीं हुई थी। दोनों ही देशों ने 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा की थी। हालांकि अभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच कई जगहों पर सीमा को लेकर विवाद हो रहा है। दुनिया में भारत के अलावा और भी 3 देश हैं जो 15 अगस्त को आजाद हुए थे। दक्षिण कोरिया, कांगो और बहरीन 15 अगस्त को ही अलग राष्ट्र के रूप में स्थापित हुए। बहरीन को 15 अगस्त 1971 को ब्रिटेन से आजादी मिली थी। दक्षिण कोरिया को 15 अगस्त 1945 में जापान से आजादी मिली थी और कांगो 15 अगस्त 1960 को फ्रांस से अलग हुआ था। भारत जिस दिन आजाद हुआ था उस दिन भारत के कई राज्यों में हिंसा का दौर चल रहा था। बंगाल और पंजाब में विभाजन के कारण जमकर दंगे हुए थे। महात्मा गांधी उस समय आजादी के समारोह में हिस्सा लेने के बजाय दंगों को शांत करवाने के लिए प्रयासरत थे। महात्मा गांधी आजादी के दिन दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नुआखली में थे। हर स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। ऐसा माना जाता है कि 15 अगस्त 1947 का दिन आजादी के लिए तय करने में लॉर्ड माउंटबेटन की भी अहम भूमिका रही थी। इसी दिन जापान की सेना ने 1945 उनकी अगुवाई वाले ब्रिटेन की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। उनका मानना था कि ये दिवस उनके लिए सौभाग्यशाली रहा है। भारत की आजादी के समय 562 रियासतों को एक एक कर भारत में विलय करवाया गया। कई रियासतों ने आसानी से भारत के साथ आने का फैसला किया। वहीं कुछ के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन को कुछ विशेष प्रयास करने पड़े थे। जूनागढ़ और हैदराबाद के निजाम ने देश के साथ आने से मना कर दिया था। जूनागढ़ में जनता ने विद्रोह कर दिया था। वहीं हैदराबाद के निजाम को लगातार मनाने के बाद भी जब वो नहीं माने तो सरदार पटेल ने वहां सेना भेजने का निर्णय लिया था। जब भारत आजाद हुआ था उस समय भारत के पास अपना राष्ट्रगान नहीं था। हालांकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 में ही जनगण मन लिख दिया था, लेकिन इसे 1950 में राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। आजादी के समय भारत में 17 राज्य थे। भारत सरकार ने स्वतंत्रता के बाद अंग्रेजी राज के दिनों के राज्यों को भाषा के आधार पर करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की थी। जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में 22 दिसंबर 1953 को पहले राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ।